कहल जाइत अछि मिथिला कण कण में माता सीता आ भगवान रामक वास छन्। तैं तऽ मिथिलावासी एतुका हरेक क्षेत्र के भगवान राम आ सीता संग जोड़ल करैत छथि। प्राचीन समय में मिथिला एकटा स्वतंत्र राज्य छल, एकर अपन स्वतंत्र सीमा छल, मुदा कालांतर में जाकर मिथिलाक भूगोल दूटा भाग में बटा गेल। किछु भूभाग अखन नेपाल में पड़ैत अछि त किछु भारत में। मिथिलाक भूगोल दू भाग में बटायल रहितो एकर ऐतिहासिकता आ प्राचीनता अखनो जीवित अछि। अखनो अनेकों ऐतिहासिक एवं प्राचीन स्थल सब मिथिलाक भूभाग में देखबा में अबैत अछि, जाहि में से एक अछि अहिल्या स्थान। अहिल्या स्थान ऋषि गौतम के पत्नी अहिल्या से संबंधित अछि। वह अहिल्या जिनका इंद्रक कुचेष्टा के कारण पति गौतम से श्रापित होबय पड़लनि आ पाथर रूपी निर्जीव बन पड़ल छलनि, जिनका बाद में भगवान राम अपन चरण स्पर्श करा उद्धार केने छलाह। अहिल्या पतिव्रता छली, एकदम सुंदर सुशील। एक दिन ऋषि गौतम ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मक लेल निकलला। वह एकांत समय पाइब इंद्र हुनका अपना वशीभूत करबाक लेल ऋषि गौतम के भेष धारण कऽ कुटी में पहुँच गेलैथ। अहिल्या के इंद्रक संग देख ऋषि गौतम हुनका पाथर बनि जा के श्राप दऽ देलनि, जाहि के बाद ओ पाथर बन गेल छली। त्रेता युग में जखन मिथिलाक राजा शिरध्वज जनक अपन पुत्री सीता के विवाह के लेल धनुर्यज्ञ के आयोजन केलथि, ओहि समय में अपन गुरु विश्वामित्र के संग राम आ लक्ष्मण मिथिला के लेल आबि रहल छलाह। बाट में ओ विशालकाय पाथर देख ऋषि विश्वामित्र से भगवान राम जिज्ञासा रखलथि, जाहि के बाद में ऋषि विश्वामित्र गौतम पत्नी अहिल्या के व्यथा सविस्तार सुनौने छलैथ, जाहि के बाद भगवान राम चरण स्पर्श करा कऽ अहिल्या के उद्धार केने छलैथ। वह अहिल्या के नाम पर रहल अहिल्या स्थान अखनो भारत में अवस्थित अछि। अखन ओहिठाम विभिन्न मंदिर आ देवी देवता सब के मूर्ति सब स्थापित कयल गेल अछि। गौतम ऋषि के छे आई मंदिर में महिले पुजारी होइ छे। कते वर्ष अपने पूजा करै छिए? उठके बना ही बोलवा हम ते लिखल भरल नै छी त कने बहुत दिन से छिए। ऐसे पहिने के छले अपने के? ऐसे पहिले रहलिए एगो सन्यासी। आ ओहिसँ पहिने आब के रहल छी हम नहि जनै छी। सन्यासी हटि गेलै एगो मायराम रहल रहलै अही गामके। मायराम हटि लेलकै हटि गेलै तऽ हमरा लोक धऽ देलकै। आ फेर हमरा तऽ आब की होइ छै चलब मते जाइए छथिन भगवान तऽ पहिनहिके छथिन। तब भगवान त्रेता में एलखिन हुनका उद्धार केलखिन हँ पत्थर से नारी भऽ गेलखिन। भगवान जनकपुर जाय क्रम में अयोध्या में एहिठाम उठल जनक अयोध्या से अबैत काल यज्ञ में जाइत रहथिन जनकपुर। एहि बाटे जे कहानी बहुत थी एहि बाटे गेलखिन उच्चरण से देखिए पत्थर से नारी भऽ गेल। त्रेता युग के इतिहास रहल अहिल्या स्थान में अखन कयों पर्यटक सब आ दर्शनार्थी सब पहुँचल करैत छथि। तथापि जाहि हिसाब से अहिल्या स्थान के विषय में चर्चा परिचर्चा होबाक चाही ओ प्रचार अभाव में अखनो धरि होब नहि सकल अछि। कहल जाइत अछि अहिल्या स्थान में दरभंगाक महाराज छत्र सिंह ओतः मंदिर निर्माण करौने छलथि। सन 1820 में राम परिवारक देव विग्रह के स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा हुनके द्वारा कराओल गेल छल। ओहिठाम निर्माण कराओल गेल मंदिर लगभग 1.5 एकड़ में पसरल अछि। अहिल्या मंदिर के फाटक के बगल में देवाल पर पहाड़पुरी द्वारा राम लक्ष्मण एवं विश्वामित्र के आदम कद के मूर्ति बनवाओल गेल अछि। यहाँ गौतम ऋषि जो है सो महर्षि रहते थे तपस्या के,
और नित्य प्रति जो है से यहाँ से गंगा स्नान जाते थे और वहाँ से 4 बजे सुबह आते थे यहाँ, यहाँ 4 बजे सुबह यहाँ से गया, उसके बाद यहाँ आते थे। और जो है सो यहाँ उनके साथ जो है सो इंद्र ने जो है सो छल से ऐसे प्रपंच किया जो बाद में अहल्या को श्राप बस कलंकित होना पड़ा और पत्थर जो है सो हो गई। पत्थर होने के बाद जो है सो उन्होंने जो है सो पति से बोले कि जो आप पत्थर श्राप दे दिए तो मेरा फिर उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहे कि जब जाओ त्रेता युग में रामचंद्र जी अवतार होंगे तो वो आए नहीं, उनके आने पर जो है सो तारका को वध करके बक्सर से आए और विश्वामित्र के साथ यहाँ आए सब। तो यहाँ देखे जो है सो पत्थर की स्वरूप, तो विश्वामित्र जी से रामचंद्र जी पूछे ये कैसी है, तो समाज बताए जो ये अहल्या की जो है सो प्रतिमा है, जो गौतम की पत्नी विश्व सुंदरी थी वो श्राप बस जो है सो पत्थर हो चुकी है और उनकी श्राप आप ही के आदास में अभी चरण से उनकी चरण धुरी लगने से स्पष्ट जो है सो नारी हो गई और फिर गौतम ऋषि को श्राप संबोधित कर दिए और फिर गौतम ऋषि यहाँ से गौतम कुंड के नाम से जो यहाँ से 3 किलोमीटर अवस्थित है उस जगह हुए। इसने बनाया है ये मंदिर जो है सो दरभंगा महाराज के खानदान के थे छत्तर सिंह नाम के, वही बनवाए थे जो अहल्या गौतम के लिए स्तंभ बना था। लेकिन अहल्या जी बाद में स्वप्न लिए जो नहीं जिस चरण से मैंने तरा हूँ उस प्रभु का इसमें विराजमान हो, तो वो जो है सो इसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम दरबार से एक फेमस है। आयताकार अहिल्या मंदिर एकदम आकर्षक रूप में बनाओल गेल अछि। मंदिर के ग्रिलदार फाटक से प्रवेश केलाक बाद बरामदा में दहिना दिस मोड़ला के बाद में अहिल्या मंदिर के द्वार देखबा में अबैत अछि, जाहि में अहिल्या एवं गौतम दुनू गोटे के पीढ़ी स्थापित कयल गेल अछि। मंदिर के बगल में पश्चिम दिस पंडा निवास अछि। अहिल्या मंदिर से दहिना पूर्व दिश सियापिया साधु निवास के 2 मंजिला पक्की भवन अछि। पूरब द्वार से प्रवेश केलाक बाद सामने में हनुमान मंदिर अछि, जाहि में 3 फीट ऊंच चबूतरा पर बैसल हनुमानक विशाल गदाधारी प्रतिमा प्रतिष्ठित कयल गेल अछि। प्रवेश द्वार के संग में दहिना दिश डोगरानाथ के छोटका मंदिर छनि। की भेल छल एहिठाम अहिल्या यहाँ पर बहुत दिन से अहिल्या आ रहा है यहाँ रहते हैं। अहिल्या से पास कन्या मत अहिल्या, अहिल्या ऐसे पति कोई नहीं थी, वो दिन से विवाह हुआ गौतम जी से। जब बहुत कथा है विस्तार भागवत में रामायण में गौतम नारी श्राप मतलब उपलब्धि है घर की करण के मन रह चाहते की बात होगा विश्वामी जी का लिखे और अहिल्या जी की है विश्वामी जी का भगवान के अंदर चरण फिर आते हैं। अहिल्या हो गई स्त्री प्रसन्न पद पाप में शोक न साफ प्रकट भय तब तुम जी कर अहिल्या तुम प्रकट कर मुनि श्राप परमानुग्रह मैं माना देखो बड़ी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ संकरता अहिल्या कृतार्थ हो गई हमको श्राप जो दिया गुरु महाराज श्राप जो दिया हमको पति देव तब उधार हो गया। साधु निवास के बरामदा पर गेलाक बाद में सामने के मध्य कोठरी में राम जानकी के मूर्ति सब स्थापित कयल गेल अछि, जाहि ठाम ओहि ठाम के साधुगण पूजा एवं भोग राग लगबै छथि। ऊपर मंदिर के एकटा छोटका भाग में सिया पिया कोहबर सुसज्जित कयल गेल अछि, जाहि में सीता राम एवं सीता के सहेली के माइटक आदमकद मूर्ति सब स्थापित अछि तथा एकटा सुसज्जित चौकी सेहो राखल गेल अछि।
अहिल्या मंदिर एवं सियापिया निवास भवन के सामने भगवान राम के भव्य मंदिर है, जाहि में राम पंचायन देव मूर्ति सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। बीच में राम जानकी सिंहासन पर शोभायमान छथि, जाहि के आगू में ऋषि गौतम एवं अहिल्या के मूर्ति एकदम आकर्षक ढंग से बनाओल गेल अछि। दाहिना में भरत एवं लक्ष्मण तथा बामा में शत्रुघ्न एवं हनुमान विराजमान छथि। देव मूर्ति अत्यंत मनमोहक अछि तथा वस्त्र एवं पुष्प से सज्जित अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण के सृष्टिकर श्रद्धालु के ओ मूर्ति सब आकृष्ट करैत अछि तथा तीर्थयात्री हुनक पूजा आराधना क भाव विभोर भ जाइत छथि। अहिल्या स्थान में वर्ष भरि पावनि तिहार में श्रद्धालु भक्तजन सब के भीड़ लगैत अछि। रामनवमी एवं विवाह पंचमी के मेला अहिठाम के प्रसिद्ध अछि। विवाह पंचमी के अवसर पर तीर्थयात्री सब के सर्वाधिक भीड़ रहैत अछि। दूर दूर से श्रद्धालु सब ओहि समय में ओहिठाम पहुँचैत छथि, जाहि में महिला सब के संख्या बेसी रहैत अछि। नेपाल से सेहो श्रद्धालु गृहस्थ राम भक्त साधु साध्वी के मंडली सामान्य दर्शनार्थी सब सेहो हजारों की संख्या में ओहिठाम पहुँचल करैत छथि। कहल जाइत अछि जे महिला सब अहिल्या के चूड़ी टिकली वस्त्र आदि महिला सब के उपयोग में आबय वाला चीज सब पीढ़ी पर श्रद्धापूर्वक अर्पित करैत छथि। भगवान राम पंचायतन के देव के सेहो चढ़ौना चढ़ाओल करैत छथि। साधु के दान दक्षिणा भोजन आदि सेहो देल करैत छथि। ऋषि गौतम के आश्रम आ अहिल्या स्थान मधुबनी जिलाक अहियारी गाम में पड़ैत अछि। गौतम ऋषि के आश्रम आ अहिल्या स्थान के विषय में स्कंद पुराण में सेहो पाओल गेल अछि। आसीद ब्रह्मपुरी नामना मिथिलायां विराजिता तास्यं लसति धर्मात्मा गौतमो नाम तापसः अहिल्या नाम तत्पत्नी पति भक्ता प्रियंवदा सर्वलक्षण संपन्ना असत सर्वांग सुंदरी कई स्कंद पुराण में उल्लेख कयल गेल अछि। स्कंद पुराण के अहि श्लोक आ बृहद विष्णु पुराण के अनुसार अहिल्यापुरी एवं गौतम स्थान मिथिला में पड़ैत अछि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गुरु विश्वामित्र के संग धनुर्यज्ञ एवं सीता स्वयंवर के क्रम में जनकपुर धामक रास्ता में एकटा निर्जन उजाड़ कुटी में पहुँचलाक बाद भगवान राम अहिल्या के ओहिठाम उद्धार केने छलथि। अतेक बड़का ऐतिहासिकता आ प्राचीनता रहितो गौतम ऋषि के आश्रम आ अहिल्यापुरी अखनो पर्यटकीय दृष्टिकोण से ओझेल में पड़ल कहल जाए तो अतिशयोक्ति नहीं हैत। अहि स्थल के सांस्कृतिक विशेषता कायम राख के प्रयास करैत सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास केनाइ अति आवश्यक अछि। अहि के लेल भारत सरकार के ध्यान देनाइ सेहो आवश्यक अछि। ओहिठाम आबत जाबत के अखन व्यवस्था ठीक रहितो श्रद्धालु भक्तजन सब के वास के लेल ओतेक बढ़िया व्यवस्था नहीं अछि, तैं श्रद्धालु भक्तजन सब के वास के ओहिठाम व्यवस्था सेहो करबाक चाही, जाहि सँ अहिल्या स्थान जे पर्यटकीय दृष्टिकोण से अखन उजराहट में पड़ल अछि ओहि के उजागर करब सहज हैत। Thank you.